अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की काश्त के ऊपर है कि सूरजमुखी की काश्त जो है वो कैसे की जाती है। इसका आज हम आपको प्रॉपर जो है वो इसके कल्टीवेशन का वो बताएंगे प्रोसेस कि इसके ऊपर सीड कितना लगता है, इसका क्या तरीकाकार होता है, कैसे लगता है, रो टू रो डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, इसकी फर्टिलाइज़र का, इसका इरीगेशन का। तो मुकम्मल जो है आज हम आपके साथ ये इसकी कल्टीवेशन का वो जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हमारी यही कोशिश होती है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन वो आप तक पहुँचा सके, उसका जो तरीकाकार है वो, और सबसे पहले जो उसका टाइमिंग है आपको पहले टाइमिंग का पता होगा कि उसका टाइमिंग क्या है। जो सूर्यमुखी काश्त का टाइमिंग है वो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक है। तो आप लोग जिन लोगों ने कनोला लगाया या सुपर राया लगाया है या जिन लोगों ने आलू की काश्त की हुई है उसके बाद वो अगर ये लगाना चाहते हैं कि हमने सनफ्लावर लगाना है तो आप लोग इसको इजीली लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार देता है और इसके जो आगे रेट मार्केट वो भी अच्छा है। तो आपने लगाने के लिए आपको टाइम का जो है पता अंदाज़ा हो गया कि ये 15 जनवरी से 15 फरवरी के दरमियान जो है इसके बेहतरीन जो है वो टाइमिंग है इसको कल्टीवेशन करने के लिए। जो इसके ऊपर सीड लगता है, और सीड से पहले मैं आपको इसकी ज़मीन की तैयारी के हवाले से बता दूं कि सिंपल जिस तरीके से आपने ये कपास लगानी होती है यानी कि रुई की काश्त, काटन जिसको हम कहते हैं, काटन काश्त करने के लिए जिस तरीके से हम ज़मीन को तैयार करते हैं सिंपल आपने ऐसे ही अपनी ज़मीन को तैयार कर लेना है, अच्छे तरीके से इसको बारीक करके रोटावेटर लगा के हल वगैरह चला के इसको अपने अच्छे तरीके से तैयार करवा लेना है। तैयार करवाने के साथ ही जब आपने इसके वो खालियां निकलवानी है उससे पहले आपने जो इसका नीचे खाद डालने वाली होती है लाइक DAP, पोटाश, यूरिया, तो वो आपने साथ ही डालने के बाद इसकी खालियां निकलवा लेनी है। वो कितनी कितनी रिक्वायर्ड होती है कि आपने वो कितनी खाद डालनी होती है सनफ्लावर के लिए, 1.5 बैग जो है DAP, 1 बोरी पोटाश और 0.5 बैग जो है यूरिया, ये आपने नीचे डाल लेना है एट द टाइम ऑफ जो है प्रिपरेशन ऑफ लैंड यानी कि जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं उस वक्त आपने ये सारी खाद नीचे डाल के आपने अपनी ज़मीन को तैयार कर लेना है। जब आपकी ज़मीन तैयार हो जाती है तो उसके बाद आपने खालियां निकलवा लेनी है। खालियां निकलवाने के जो डिस्टेंस है वो रो टू रो यानी कि जब आप लगाते हैं जिस तरीके आप मकई की काश्त करते हैं वो हमें अंदाज़ा होता है कि हमने रो टू रो कितना डिस्टेंस जो रख रहे हैं और प्लांट टू प्लांट हमारा जितना कितना जो है डिस्टेंस हो ताकि हमारे पौधों की तादाद जो है वो पूरी हो सके। तो सिंपल इसका तरीका वही है जैसे हम काटन काश्त करते हैं उसका भी ऐसे इसका सनफ्लावर का भी यही प्रोसीजर है। रो टू रो डिस्टेंस जो है इसका और इसका जो सॉरी इसका जो सबसे पहले जो इसका सीड होगा वो हमें 2.5 kg इसका सीड रिक्वायर्ड होगा जो हमने इसको कल्टीवेट करना है। जो 2.5 kg जो है 1 एकड़ के लिए सीड हमें रिक्वायर्ड होगा। इसका जो वीवर आपने डिस्टेंस रखना है रो टू रो वो होगा 2.5 फीट और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो होगा वो होगा 9 इंच। तो इस हिसाब से आपने सबसे पहले आपने जो खालियां निकालनी यानी कि रेजर की मदद से या प्लांटर की मदद से वो आपने ऐसे निकलवानी है कि एक रो इधर आ रही है, एक रो इधर आ रही है, तो इन दोनों रो का जो नीचे वाला जो बीच में वाला डिस्टेंस जो खाली बनेगी वो रो टू रो डिस्टेंस हमारा 2.5 फीट हो। जब आपने इसको सीड लगाना है इसको पानी लगा के आपने जब सीड लगाना है तो एक सीड से दूसरे सीड का जो दरमियान का फासला है वो 9 इंच होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। जब आप 9 इंच के फासले पे वो सीड लगाएंगे तो हमारे पौधों की तादाद वो तकरीबन पूरी हो जाएगी। जब आपने सीड लगा लिया उसके बाद जो इसको पहले पानी आप लगाएंगे जब इसकी जर्मिनेशन हो जाएगी तो आपने पहले पानी के साथ ही जो है इसको 1/2 बैग यूरिया वो डाल देना है। इसी तरीके सेकंड इरिगेशन के साथ ही आपने 1/2 बैग यूरिया आपने फिर डाल देना है और थर्ड टाइम जो है आपकी जो फर्टिलाइज़र का वो प्रोसेस होगा वो एट द टाइम ऑफ फ्लोरिंग, जब आपके सूरजमुखी जो होगा वो यानी कि फ्लोरिंग स्टेज पे आ जाएगा, फूल पकड़ रहा होगा, तो 1/2 बैग यूरिया आपने उस वक्त इसको डाल के इसको मुकम्मल आपका वो फर्टिलाइज़र हो जाएगा और इसका प्रोसेस जो है वो ये मुकम्मल हो जाएगा। और इसको जो इरिगेशन का आपने ज़्यादा से इसको सिर्फ 4 पानी लगाने, इरिगेशन का 4 टाइम आपने लगाना, फर्स्ट पानी, सेकंड और थर्ड, फोर्थ पानी आपने एट द एंड आप जाके लगा के इसको आपने मुकम्मल आपका ये प्रोसेस हो जाएगा इस सनफ्लावर का, इसको इरिगेशन का भी मुकम्मल, आपके खाद वगैरह ये सारा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसका आ जाता है कि आपने इसको जो इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, कब करनी है और उसको कैसे आपको पता चलेगा ये इसकी हार्वेस्टिंग करिए रेडी हो गई है। जब इसके ऊपर वाले जो फूल होंगे
वो पक के आपको जो इसका सीड होगा वो ब्लैक ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाएगा, और उसका जो ऊपर वाला हेड होगा वो भी पीछे से जो है ब्राउन हो जाएगा, और जो उसके लीव्स होंगे वो सारे ब्राउन हो जाएंगे, या के वो पीले होकर वो या तो नीचे से गिरना शुरू हो जाएंगे और सारे इसके लीव ब्राउन हो जाएंगे, और ऊपर का जो सर होगा वो आगे से जो उसका सीड होगा ब्लैक हो जाएगा, और सार इसका थोड़ा सा झुकाव की तरफ हो जाएगा। तो अंदाज़ा आपको हो जाएगा ये आप कल्टिवेशन के लिए यानी कि इसको हार्वेस्टिंग के लिए ये रेडी है, तो आप उस वक्त इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये व्यूअर आज की हमारी इस वीडियो में मुकम्मल थी डिटेल कि सनफ्लावर का हम कब कास्ट कर सकते हैं, इसका सीड कितना होगा, इसकी कितना हमें जो वो इसके रो टू रो डिस्टेंस उसके साथ जो है वो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, ये सारी डिटेल जो है आज की वीडियो हमने जो इसको मुकम्मल करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यूअर आपके साथ इसकी पूरी डिजीज़, इसकी पेस्ट, इसके ऊपर कौन कौन से जो है बीमारियों का अटैक होता है, कौन कौन से जो है अशरात या जिन जिनके उसको मुकम्मल जो है इसकी हमने पेस्ट कोटिंग कैसे करनी है, और जो इसके ऊपर प्रॉपर जो है स्प्रे वगैरह करने का क्या तरीका कार, और कितनी स्प्रे करनी है, कौन से सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है व्यूवर्स आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।